कि CSS के जो इम्पोर्टेंट ESS हैं, कश्मीर का इशू तो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर आर्टिकल 370। और अभी जो नया मैप आया है सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने गिलगित और बल्तिस्तान को लद्दाख में शामिल किया है, कश्मीर में भी नहीं। याद रहे कि आर्टिकल 370 के बाद जो ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया है, ऑक्यूपाइड कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग। तो इस पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लाम फोबिया इन वेस्ट पे भी आ सकता है। और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये भी जैसे कि स्पीच भी हुई थी जनरल असेंबली में, इनको इंटर रिलेट करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कश्मीर का तो बड़ा सिंपल था कि आपको बताया कश्मीर के बैकग्राउंड से स्टार्ट लेते हुए जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी टिल नाउ आपको बताना होगा आउटलाइन के साथ। इस्लाम फोबिया में जो की पॉइंट डाले कि भाई 9/11 के बाद खासतौर पर ये मामला ज़्यादा शुरू हुआ, और अब ISIS को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन को पीछे बनाने वाले कौन थे? ज़ाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड की सपोर्ट तो थी, वरना ये कैसे इतना ज़्यादा एरिया पे इनका कब्जा भी हो गया और ये अपना पेट्रोल भी बेचती रही? तो ये सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। अफगान पीस प्रोसेस, जी हाँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मामला, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है वो तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप की जब पाकिस्तान के PM इमरान खान से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ उन्होंने इशू भी उठाया था, अमेरिका अफगानिस्तान से इज्जत के साथ इस वक्त निकलना चाहता है। और न्यू इकोनॉमिक मेजर का पाकिस्तान इकोनॉमी में जनाब काफ़ी निगेटिव असर हुआ है। उसका रीज़न ये था कि जितने टैक्सेशन लगाए गए हैं और ये बड़े अहम मैटर्स हैं, क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा एक तो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन बढ़ गया, उससे डायरेक्ट मामले में काफ़ी नुकसान हुए हैं। अब देखें इन मामला को कैसे रिकवर किया जाता है, तो उसमें आपने सारी बातें लिखी हैं। फिर डिजिटल इकोनॉमिक सिस्टम क्या है भाई? अब आजकल एक नया सिलसिला भी हो रहा है ना कि जी इलेक्ट्रॉनिक EM इलेक्ट्रॉनिक मनी, बहुत कुछ कार्ड्स के जरिए हो रहा है, कैश पे काम ऐसा ऐसा दुनिया में कम होता जा रहा है, बहुत सारा इंटरनेट के जरिए हो रहा है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी चांस है एसएस का। तो साइबर नेट इंटरनेट का ये भी आ सकता है कि इससे ह्यूमैनिटी का फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, बहुत कुछ इसके तो मटेरियल आपको मिलता है। और एक और जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड्स का सिस्टम जो पाकिस्तान में, और क्या एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बढ़ रही है या डिक्लाइन की तरफ, इसमें बहुत क्वेश्चन आएगा। और डिक्लाइन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो उसके रीजंस क्या क्या हैं? वाटर डिस्प्यूट जाना बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आज तक हम डैम बनाने में लगा। और नीड्स की वजह से ग्रीड होती है, जी हाँ ये बात भी बहुत अहम है, क्योंकि देखिए जब हम ज़्यादा नीड्स करते हैं तो वो ग्रीड में तब्दील हो जाती है, हमें डिस्ट्रॉय करते हैं। एक और बड़ी अहम बात है जो पाकिस्तान की FATF की लिस्ट के हवाले से, FATF है क्या, पाकिस्तान के आने के जो मामला थे क्या हुए हैं, ब्राउन लिस्ट है, और अब FAB 2020 तक आपको निकलना है। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वोमेन इन पाकिस्तान इज़ अ मिथ, क्या नई वोमेन क्या है जी? अब देखिए ये आपको पूरा बताना है कि इस्लाम में क्या मॉडल है सिस्टम का, और वेस्टर्न वर्ल्ड औरतों को किस तरह उकसा रही है। ऐसे औरतों के टॉपिक पे ऐसे ना लिखना, क्योंकि इसमें बड़ी ना कॉन्ट्रोवर्सी थी, ऐसे टॉपिक पे गुरेज किया करें जो ज़रा कॉन्ट्रोवर्शल हो, कुछ फीमेल की कुछ ज़्यादा ही आज़ादी है अपनी, कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है, आपको नहीं पता आपका एग्जामिनर क्या होगा। और जनाब एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। टेररिज्म सदाबहार टॉपिक है, टेररिज्म और एनर्जी क्राइसिस, और इवन रेल्स के जो हादसा हो रहे हैं इस पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा।